हेलो दोस्तों, आईटी सपोर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज जो मेरा विषय है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है वेब मास्टर टूल। वीडियो बनाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कृपया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो दबाइए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वेब मास्टर टूल के ऊपर। सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने गूगल पे लिखा वेब मास्टर टूल, गूगल वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर टूल की पहली ऑप्शन आएगी ये वेब मास्टर टूल स्पॉट, इस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद मैं गया साइनअप के ऊपर। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है तो इसलिए ये आ गया। यहाँ पे आपको यही फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होती है, एक वेबसाइट की और एक होती है एंड्रॉयड ऐप की। आज हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम वेबसाइट का लिंक डालेंगे। ये एक मेरी ब्लॉग की वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं। ये मल्टीपल ब्लॉग की वेबसाइट है जिसमें बिजनेस, फूड, हेल्थ, हर तरह के ब्लॉग लगते हैं। ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एक लिंक है, वेबसाइट का लिंक यूरल, इसको हम यहाँ डालेंगे और इस बटन को ओके कर देंगे। ऐड अ प्रॉपर्टी में आके ये लोड होगा। यहाँ पे लोड होने के बाद हमने यहाँ पे आई एम नॉट रॉबर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है वेरीफाई के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे HTML टैग के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपको ये बार कोड दिख रहा है एक, जिसे मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये हाईलाइट कोड को हम वेबसाइट के WP Admin में डालेंगे। WP Admin में डालने का मतलब ये है कि वेबसाइट का जो हेडर होता है उसके अंदर। मैं एडिट में गया और अपनी header.php फाइल के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद इसको हेडर में ही डालना है हमेशा। आप कोई भी वेबसाइट हो, मतलब कि PHP में बनी हो, HTML में बनी हो या .NET पे बनी हो, आप हमेशा इस कोड को हेडर में ही डालेंगे और इसको हम पे अपडेट फाइल कर देंगे यहाँ से। बस हमारा काम यहाँ पे इतना ही है। इसके बाद जब ये सेव हो जाएगा हमें यहाँ एक मैसेज शो करेगा, क्योंकि वर्डप्रेस में काफ़ी फाइलें होती हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है। ये लीजिए, हमारी फाइल सेव हो गई है, सक्सेसफुली सेव। हम फिर दोबारा वापस वेब मास्टर टूल के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम ये जो बटन है वेरीफाई का, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पे हमें आ जाएगा यू हैव अ सक्सेसफुली वेरीफाई। जो हमारी ये वेबसाइट है ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर हो गई है वेब मास्टर टूल के अंदर। और बाकी जो वेब मास्टर टूल में क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या बेनिफिट है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। प्लीज़ कोई सुझाव हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो आपका, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका सबका।